हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो हमारी आजकल मार्केट में आई हुई है चार्जिंग वाले स्कूटर, तो वे किस तरीके से उनके पार्टों की असेंबली की जाती है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, किस तरीके से इन पार्टों को जोड़ा जाता है, पूरी कंप्लीट असेंबली, मतलब कैसे इन पार्टों को जोड़ा जाता है और बैटरी बैकअप क्या रहेगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि इस बैटरी वाले स्कूटी को बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या पार्ट इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि आज हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग के वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इनके पार्टों को सभी को जोड़ा जाता है। और इनकी वायरिंग, जो हमारी वायरिंग होती है इलेक्ट्रिक स्कूटी में, वो वायरिंग के पॉइंट क्या होते हैं, आज एक मेन मेथड है, आज उसको बताएंगे कि हम इनके पार्टों को कैसे जुड़ा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देख रहे हैं तो उसको फुल वॉच करना भाई। एक दिन में कितनी स्कूटियां तैयार कर देते हो? हम चार लड़के बीस स्कूटियां मतलब कंप्लीट तैयार करके खड़ी कर देते हो। जैसे ये हमारी वायरिंग है, मतलब सभी वायरिंगों में सेम होती होगी? सभी है, सब अलग अलग होती है, सब अलग अलग होती है स्कूटियों में। फिर ये कैसे, मतलब सॉकेट देख के आईडिया लग जाता है? सॉकेट देख के, तार लग के, तार देख के। अब ऐसा मान लो ये सारे तार उसके हैं। किस चीज के? एक्सीलेटर के। एक्सीलेटर के सभी तार। अब इनमें से रिवर्स कौन सा है, ठीक है, किसी में कैसा भी तार आता है, किसी में कैसा भी आता है, वो तो सॉकेट लगा कर देखना पड़ेगा। और हमें तो सब पता है। अब ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये हो गए एक्सीलेटर के, ठीक है, ये गियर का, गियर एक्सीलेटर के, ये हो गियर एक्सीलेटर के जी। और ये हो गए, ये हो गया रिवर्स का, रिवर्स का, ये हो गए इंडिकेटर के, इंडिकेटर का, जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे इससे। और ये वाला, ये हो गया फ्लैशर का, जो इंडिकेटर वो करते हैं। ये हो गया अपना ब्रेक कट का जी। ऐसे साइलेंसर है, ब्रेक दबा लिया मोटर नहीं चलेगी। हाँ, और ये वायरिंग सारी अभी बता रहा हूँ। ये हो गया अपना मीटर का। ये दोनों हो गए इंडिकेटर के, ये दोनों इंडिकेटर के जी। अब इसमें ये हो गया इंडिकेटर का, ये भी इंडिकेटर में लगेगा। ये हो गया अपर डिपर का, ये हो गया हॉर्न का। ये दोनों हो गए लाइट के, हेडलाइट के, ये हॉर्न का, ये हॉर्न का। और जो नीचे वायरिंग रहती है, ये कन्वर्टर का, ये कन्वर्टर में लगेगी जी। और ये लगेगा की लॉक में जी। ये आगे हेडलाइट का, आगे फिर हेडलाइट का। ये हो गया हॉर्न का, ये हॉर्न का जी। और जो पीछे से मोटर में कौन से सॉकेट लगते हैं वो दिखाना। मोटर में आते हैं। ये हो गया तुम्हारा बैकलाइट का और इंडिकेटर का, ये बैकलाइट और इंडिकेटर जी। और ये वाला, ये हो गया कंट्रोलर का, ये उस कंट्रोलर का, ठीक है। और बाद बाकी ये हो गए, ये माइनस प्लस है, माइनस बैटरी के लिए, ना वायरिंग कंट्रोलर के लिए, वायरिंग कंट्रोलर। बैटरी के वायर कौन से जाएंगे? बैटरी के वायर उसमें आएंगे। और ये रहे, एक ये है और एक ये रहा, ये बैटरी के वायर निकले। ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग सॉकेट का, ये बैटरी चार्ज होगी। ये हो गया साइलेंसर, ये साइड स्टैंड वाला, साइड स्टैंड खड़ी है गाड़ी तो साइड स्टैंड नहीं लगाओगे तो चालू नहीं होगी। मतलब हर चीज की सुविधा दे दी अब तो इन्होंने। देखो, वो हमारी मोटर है पानी, जो मतलब गाड़ी को चलाती है। अगर जैसे हम स्कूटी चला रहे हैं, पानी है आगे, और हमारी स्कूटी मतलब हमें पानी से निकालनी चाहिए, निकल जाएगी बस, रोकनी नहीं है, बीच में रोकनी नहीं है ना, निकाल दो। जैसे कि रोक भी जाए तो बताओ, निकल जाएगा ना, नीचे को रहेगा ये, है ना, कौन सा, ये नहीं डूबना चाहिए, इतने तक पानी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरा टायर ही डूब जाए तो फिर मतलब ज्यादा देर तक नहीं डूबा रहना चाहिए, ऐसे है कि थोड़ा बहुत पानी है, अगर टायर डूब रहा है निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो और जाके थोड़ी देर सुखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इतनी जल्दी नहीं करता है, अब पानी में खड़ी कर, इसके अंदर भी सील होती है,
इसके अंदर सील होती है ऐसे थोड़ी ब्रेक। जैसे कि अगर पानी में खड़ी कर दोगे तो एक आदमी भी आएगा अंदर, अब निकल के चली जाएगी तो थोड़ी नहीं इतनी जल्दी पहुंच पाएगा। ठीक है मिस्त्री जी, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये भी एक कंट्रोलर है इसका, और वो एक डीसी कन्वर्टर था, ये कंट्रोलर है। और यहाँ पर इन स्कूटियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भाई। आज हम दिल्ली आए थे इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल पर देखते रहना कि हम पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे कि स्कूटियों को, देखो ये इनकी बैटरी अभी लिथियम बैटरी है, कि स्कूटियों को मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। देखो बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है इनका। तो ऐसी ही ऑटो लाइन से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें भी फटाफट। देखो इनकी कुछ स्कूटियाँ तो यहाँ पर खड़ी हैं, कुछ वहाँ पर इन्होंने खड़ी कर रखी है। इनके अंदर इन्होंने बैटरियाँ नहीं लगा रखी अभी, क्योंकि बैटरी रखे रखे डैमेज हो जाती हैं। बस इन्होंने खाली पीस बना के तैयार कर रखे हैं सेल के लिए।